दोस्तों इस समय मैं इज़राइल के अंदर हूँ और एक ऐसे स्पॉट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा मैं इस समय गिलगाल के पास जो अर्गमन है वहां पर खड़ा हुआ हूँ और गिलगाल वो जगह थी जहाँ पर यहूशू की अगुवाई में जब इसराइली यरियो को पार करके कनान देश में आ गए थे और वहां पर इसराइलियों ने अपने डेरे डाले थे और जितने भी यहूदी जवान थे उन सब का खतना गिलगाल में किया गया था और गिलगाल जिसका मतलब होता है लुड़काना वहां पर इसराइलियों का खतना किया गया था एक नई पीढ़ी जो कि प्रतिज्ञा के देश में प्रॉमिस लैंड के अंदर प्रवेश करने जा रही थी वहां पर उनका खतना कराया गया था और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि इसराइलियों ने अपने डेरे डाले थे और इसराइली जो थे बाइबल में बताया हुआ है कि वो अर्गमन वो गिलगाल के अंदर थे जहां पर उन्होंने डेरे डाले थे लेकिन यहां पर अर्गमन के अंदर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है जो कि परमेश्वर के सामर्थ को भी हमारे सामने प्रकट कर देती है परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इसराइली जिस, जिस जिस जमीन के ऊपर पैर रखेंगे वो सारी जमीन जो है वो मैं उनको दे दूंगा और इसीलिए इसराइली जो थे गिलगाल के अंदर उन्होंने डेरे डाले हुए थे लेकिन वो यहां पर अर्गमन में भी आए थे और अर्गमन में आकर के उन्होंने जो डेरे डाले थे जो कैंपिंग करी थी हैरानी की बात यह है कि वो कैंपिंग जो है वो एक बड़े पांव के रूप में उन्होंने आकर के करी थी और यहां पर आप देख सकते हैं ये एक आर्क्योलॉजिकल फाइंड है और इस आर्क्योलॉजिकल फाइंड के अंदर आपको मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा होगा लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को बताते हैं कि यह कोई टावर नहीं है लेकिन इसको जोशवाज ऑल्टर के नाम से जाना जाता है यानी यहूशु की वेदी के नाम से इसको जाना जाता है कि यहूशू ने यहां पर एक बड़ी वेदी बना करके परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी और इसराइली जो थे सारे इसराइली गिलगाल में डेरे डाले हुए थे लेकिन कुछ इसराइलियों ने यहाँ पर डेरे डाले थे हो सकता है मूसा का तंबू जो है वो यहाँ पर लगाया गया हो जैसे कि हमको यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं कि मूसा का तंबू यहां पर लगाया गया था और यहाँ पे इसराइल के बारह गोत्रों को दर्शाने के लिए बारह पत्थर भी रखे गए थे जैसा कि गिलगाल के अंदर रखे गए थे और वो बारह पत्थर आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं और इस वेदी के ऊपर जब यहूशू ने बलिदान चढ़ाया तो वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधना था कि जो परमेश्वर ने कहा है कि जहां जहां इसराइली पांव रखेंगे वो सारी जमीन मैं इसराइलियों को दे दूंगा तो इसराइलियों ने पांव के आकार में ही कैंपिंग करी थी ताकि इस बात को प्रकट किया जा सके कि परमेश्वर ने अपना पांव जो है वो इस पवित्र भूमि के ऊपर रख दिया यानी ये जमीन जो है अब इसराइलियों की हो चुकी है तो इस तरह से इसराइलियों ने इस बात को प्रकट किया था जो बात परमेश्वर ने मूसा को बोली थी यह अर्गमन नाम का स्थान है और इसी के पास में मेरे सीधे हाथ पर गिलगाल है थोड़ी दूर पर वहां पर इसराइली डेरे डाले हुए थे और कुछ इसराइलियों ने यहां पर आकर के सिंबॉलिकली उस काम को किया था तो पवित्र भूमि में आकर के हम इन सब चीजों को यहां पर देख पाते हैं ये एक बहुत ही अमेजिंग जगह है यहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता है लेकिन सिर्फ हम ही यहां पर आए हैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे इस जगह को फुटप्रिंट ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है परमेश्वर की एडी परमेश्वर का टो तो जो था उसको यहां पर इसराइलियों के द्वारा दर्शाया गया था तो इस समय जब हम यहां पर हैं यहां पर आपको वो चीज हम दिखा रहे हैं जो आपको कहीं से भी पता नहीं चल सकती है और किसी भी टूर ग्रुप के साथ भी आप पवित्र भूमि घूमने के लिए आए तो भी आप इस जगह पे कभी भी नहीं आ सकते हैं तो जब अब आप यहूश की कहानी को पढ़ें, गिलगाल की अर्गमन की कहानी को पढ़ें, और जब उस वचन को आप पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि जहां जहां पर तुम पाव रखोगे वो सारी जमीन में तुमको दे दूंगा तो आपको ये स्पॉट जो है ध्यान में आएगा ताकि आप उस बात को और भी ज्यादा गहराई से समझ